अब भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इससे पहले रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल को खत्म कर काम पर लौटे तो इंटर्न डॉक्टर्स ने इस पर नाराजगी जाहिर की। उसके एक घंटे के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स फिर से काम छोड़कर विजय पार्क में चले गए हैं। हड़ताल को खत्म करें या ना करें इसको लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स और इंटर्न डॉक्टर्स के बीच सुबह से ही मतभेद दिख रहा है। हमने आपको खबर भी बताई थी कि डॉक्टर्स काम पर लौट चुके थे हड़ताल को खत्म करके, और अब फिर से एक बार इस तरह की खबरें आ रही हैं क्योंकि इंटर्न डॉक्टर्स ने नाराजगी जताई। उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स भी काम छोड़कर विजय पार्क में इकट्ठा हो गए हैं और कई बैठकों का कई दौर चला लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। वहीं आपको बता दें कि मरीजों ने जरूर राहत की सांस ली थी जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है और वो काम पर लौट आए हैं, लेकिन एक बार फिर से क्योंकि डॉक्टर्स वापस हड़ताल पर चले गए हैं इसलिए मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आज पांचवा दिन है हड़ताल का। सुबह जरूर थोड़ी देर के लिए हड़ताल खत्म हुई थी लेकिन इंटर्न डॉक्टर्स की नाराजगी के बाद एक बार फिर से रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर अगर अपना काम में अपनी ड्यूटी में पूरी तरह निभाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार ने, तुरंत उनको बर्खास्त करना चाहिए। बेचारे आज सुबह बता आ रहे थे दोबारा फिर हड़ताल कर दी। अगर एक भी मरीज कोई मर जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर होंगे। उनके FIR दर्ज होनी चाहिए डॉक्टरों की और उन्हें तुरंत कहाँ पाना चाहिए। डॉक्टर बिल्कुल गलत कर रहे हैं, इनकी रिपोर्ट होनी चाहिए और कभी भी मरीज को टेंशन देखते मर ले मरीज जब उन्हें संभालेंगे फिर कैसे होगा काम? कोई बिल्कुल लापरवाही चल रही है मेडिकल के अंदर। और हमारे संवाददाता अनुज नरवाल ने जायजा लिया PGI का, देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं विजय पार्क में जहां पर सारे डॉक्टर बैठे हुए थे, टेंट लगाकर बैठे हुए थे। सुबह से ये ड्रामा चला हुआ है क्योंकि सुबह जो प्रदीप कासनी से जो आश्वासन दिया गया था कि रेजिडेंट डॉक्टर है जो हड़ताल है वापस कर लेंगे, रेजिडेंट डॉक्टर काम पर पहुंच गए थे लेकिन जो यहाँ के इंटर्न है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए और उनका कहना है कि इस जो हड़ताल है उसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन इसमें भी डॉक्टरों के दो व्यू आगे सामने आ रहे हैं कि एक चाहता है, एक जो रेजिडेंट डॉक्टर चाहते हैं कि हड़ताल को खत्म कर दिया जाए लेकिन जो इंटर्न डॉक्टर है वो मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच जो सीधे तौर पर कहें तो नुकसान मरीजों का हो रहा है, इसके ऊपर ना प्रशासन ना ही सरकार सोच रही है। ऐसे में जो प्रदीप कासनी का बयान था कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी वो कब तक होगी, आखिर इसी चीज का सबको इंतजार है। कैमरामैन संजय के साथ अनुज नरवाल, फोकस हरियाणा, रोहतक। फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अनुज, ये क्या चल रहा है? पहले खबर आई कि इंटर्न डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर लौट आए हैं, मरीजों को भी जरूर राहत मिली थी लेकिन उसके बाद एक बार फिर से इस तरह की खबरें कि वापस से हड़ताल पर चले गए रेजिडेंट डॉक्टर्स। इस तरह से कल प्रदीप कासनी से भी बात हुई थी, काफी देर तक बातचीत चली, उसके बाद प्रदीप कासनी का बयान आया था कि इन लोगों ने मान लिया है कि ये सुबह से जो हड़ताल को खत्म कर देंगे और इसका असर भी देखने को मिला। सुबह जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर थे वो हड़ताल खत्म करके वो अपने काम पे सीधे लौटे थे, हड़ताल स्थल पर नहीं गए थे। लेकिन एक घंटे के बाद देखते हैं तो उनको जो इंटर्न डॉक्टर हैं वो नाराज दिखे और उसके बाद उनको भी बुला लिया गया और उसके बाद जो ड्रामा चला उसमें कभी दो दो ग्रुप में इधर उधर जाके सिर्फ ये आपस में मनाने की कोशिश की गई। तो कुछ चाहते हैं लोग कि हड़ताल को कंटिन्यू किया जाए, जो रेजिडेंट डॉक्टर चाहते हैं कि हड़ताल को खत्म कर दिया जाए। कुल मिला के दो फाड़ इसमें दिखी लेकिन अभी फैसला कुछ नहीं आया है। वो चाहते हैं कि अभी भी जो मंथन का दौर जारी है, लेकिन इस बीच में अगर मरीजों की बात कहें तो काफी दिक्कतें मरीजों को पेश आ रही हैं। अब सवाल ये है कि क्योंकि प्रदीप कासनी से हमने ये भी पूछा था कि अगर वापस नहीं लेते तो क्या करेंगे, उनका कहना है कानूनी कार्रवाई होगी। अब वो अभी देखेंगे कि वो कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, कई सवाल है। तो सीधे तौर पर मैं कह सकते हैं कि इनके ड्रामे के बीच नुकसान जो है मरीजों का हो रहा है। चलिए शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हड़ताल पर गए, वापस लौटे और फिर से हड़ताल पर चले गए हैं डॉक्टर्स और खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।